सो फैमिली, इस वाले रूम है सिस्टर, और चलते हैं अभी दिखाते हैं प्ले है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह का अभी हो रहा है 9:30, और आज है मेरी छोटी वाली सिस्टर, जिसको आप लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत सारा विशेस दिया, बहुत सारा प्यार दुलार दिया, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो आज है उसका बर्थडे, और हम लोगों ने उसको बिल्कुल भी भनक नहीं लगने दिया कि हम लोग जा रहे हैं उसके हॉस्टल पर एंड उसके कॉलेज पर। उसको देंगे हम विग सरप्राइज, और उसका सेलिब्रेशन बर्थडे का वहीं करेंगे। चूँकि कॉलेज की छुट्टी नहीं थी तो वो आ नहीं पाई है, तो हम लोगों ने प्लान किया, हम दोनों भाई बहन ने, कि वहाँ चलते हैं उनके जहाँ वो रहती है, जिस मकान पे, वहाँ पे चल के पहले से हम लोग प्लानिंग करेंगे और वहाँ सरप्राइज देंगे। तो उन भैया से भी रूम पर मैंने बात कर लिया है कि अगर वो हम लोगों से पहले आ जाती है रूम पर कॉलेज से, तो आप प्लीज़ बताइएगा नहीं कि आपके सिस्टर, आपके भाई आने वाले हैं। तो ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लाइक पहले ही कर दे, कमेंट कर दे प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बहुत ही धमाकेदार ये ब्लॉग होने वाला है, और ये तैयार हो गया है वहां से, मैं भी रेडी हो गई हूँ, और बैग भी सारा कुछ पैक हो गया है। और आज मैंने पहना है न्यू जींस एंड न्यू सूज। तो कैसी लग रही है? स्कूली सूज नहीं है गाइज, यहाँ पे स्टार दिखा, देखिए यहाँ पे स्टार है, स्टार बना हुआ है, तो स्कूली सूज में ही है। सुबह से मुझे चिढ़ाया जा रहा है, स्कूल जाओगी क्या, स्कूल जाओगी क्या। तो ये वीडियो के बारे में बता दो, कल और कर वाले वीडियो में मैंने इसलिए इमोशनल बनाया था, कुछ था वैसे भी रीजन है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, बट जितने लोग सपोर्ट करते हो ना, उनके दिल से लव यू सो मच। तो कल मैंने इसलिए बनाया था ना कि उसको फील हो जाए, एकदम रियलाइज हो जाए कि सच में घर से कोई नहीं आएगा। क्योंकि हम लोगों ने कुछ टाइम पहले बोला था ना कि आप चलो छुट्टी नहीं रहेगा तो फिर हम लोग आएंगे वहाँ पे। बट कल जैसे मैंने वीडियो डाला, उसने कमेंट भी किया था, आप लोग जाके देख भी सकते हो। अगर कल का ब्लॉग नहीं देखा हो तो कल के ब्लॉग पर जाके देखना, कॉमेंट किया सिस्टर, कोई बात नहीं। तो बहुत ही इमोशनली मैंने उसको ब्लैकमेल किया था कि सच में हम लोग नहीं आ रहे हैं, तो उसको विश्वास हो गया कि हम लोग नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मैंने वीडियोज़ भी अपलोड कर दिया एंड फ़ोन पे भी 3-4 बार बोल दिया कि बाबू पैसे की प्रॉब्लम है, नहीं आ पाएंगे। तो एकदम से श्योर है कि हम आएंगे नहीं, बट हम लोग जा रहे हैं उसको सरप्राइज देने। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दो ढाई मिनट तो आप लोगों से बातें कर ली, तो चलिए ब्लॉग पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अभी, बाय, कमेंट कीजिए। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, जस्ट घर के पास में ही हैं। और ये बैग में क्या है, बैग में है खाना और उसके कुछ राशन के सामान, एंड खाना मैंने बना लिया है शाम के लिए भी, मतलब शाम के लिए क्या, वही लंच करेगी 2 बजे 1 बजे के लगभग, और शाम को जहाँ हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ना, वहाँ खाने का प्लान है। और मैंने जो जैकेट लिया था वो डाल लिया। कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत टाइम बाद कहीं तैयार होकर कहीं जा रही हूँ, तो चलिए चलते चौराहे पर। ऑटो से जाना है, 2 ऑटो चेंज करना है, 1 हाटा एंड हाटा से 1 कुशीनगर। तो चलिए ब्लॉग में आपको लेके चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। छोटी रहती है जिनके मकान पे, तो भैया ले गए थे रिसीव करने बाहर, और यहाँ तक आ गए हम लोग। अभी आई नहीं है छोटी कॉलेज से, तो जब भी आती है रिएक्शन हम लोग कैप्चर करेंगे एंड आप लोग के साथ शेयर करेंगे। फिर चलेंगे कुशीनगर घूमने, आप लोग को भी लेके चलेंगे, तो ब्लॉग में पूरा अंतिम तक बने रहिएगा। तो फैमिली अभी तक आई नहीं है, उसको कॉल करने जा रहे हैं हम, पूछने कि खाना वाना बना के खाई कि नहीं रूम पर, तो देखिए फ़ोन लगता है कि नहीं, घंटी जा रहा है। हेलो, का हो तो कुछ खाई होलू ना, बहुत लेट हो गया तो। हाँ, लेट हो गया तो कब जाइबू, कब बनाइबू, खाइबू बनाना तो का है, ताजी पानी है मेरे खाना, जाके पहले आराम करा, ठीक हो रखा। सो फैमिली, अभी फ़ोन की थी मैं, तो अभी बोली है कि गेट पे हैं, तो जो बड़ा वाला गेट मैंने दिखाया था वहाँ पे है अभी, और अभी आने में उसको आई थिंक कि 2 मिनट लगेगा, तो आएगी। अभी जो भैया का मकान है उनके रूम में हम लोग हैं, तो उसको सरप्राइज़ देने के लिए जब वो अपने रूम में चली जाएगी फिर हम जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा।
तुम न दिख जा रहा हो। इधर ही चल 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 सो फैमिली इस वाले रूम में सिस्टर और चलते हैं अभी दिखाते हैं प्ले है। आ गए सिस्टर के रूम पे और ये रही सिस्टर। आप लोगों ने कल बोला था कि आप जाना जाना प्लान बना के जाना, तो फाइनली आ गई हूँ और इतना लेट लगाई है, एक घंटे लेट आई है कॉलेज से, तो सरप्राइज दिए। बहुत हार्ट बीट ज़्यादा तेज चल रहा है हमारा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी फटाफट से खाना खाएगी है, फिर हम चलेंगे घूमने। ठीक है, हम खाना वाना ले के आए बना के, खाना दो फटाफट से खा ले। देखिए ये है महारानी ढाब का रूम और उस बैग में रखती है कपड़ा। इनका रूम दिखा देते हैं शॉर्टली, एकदम एक्चुअली नहीं बताएंगे कि कुशीनगर में कहाँ रहती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी भी कुछ होता है सबका। तो अभी खाना मैं बना के ले आई थी, छोले पूरी और जीरा चावल। तो अभी मैं भी दो पूरी खाऊंगी, क्योंकि दो पूरी चावल थोड़ा सा खा के आई थी, भूख लग गया मुझे। तो सिस्टर के साथ ही यहाँ पर खाऊंगी खाना, फिर खाने के बाद चलेंगे हम लोग कुशीनगर में। सो फैमिली खाना खा के अब हम तीनों भाई बहन जा रहे हैं कुशीनगर घूमने, तो चलिए आप लोग को भी ले चलते हैं कुशीनगर घुमाने। तो फ्रेंड यहाँ पे नो मास्क नो एंट्री था, तो हम लोगों ने लगा लिया है मास्क। अभी अंदर आ गए हैं तो इसको निकाल सकते हैं फोटो क्लिक करवाने के लिए। तो बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से मंदिर में आए हैं, जैसे बौद्ध धर्म का ये तो मंदिर ही कहा जाता है, तो मंदिर में आए। चलिए बैक कैमरे से इसका व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा ये टेम्पल है बौद्ध धर्म का, और ऊपर जो है ना बहुत बड़ा सा एक स्टैचू है लाफिंग बुद्धा का। तो चल के मैं अभी दिखाऊंगी जूम आउट करके। बाहर से ये मंदिर का नज़ारा देख लीजिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ओसम, आउट स्टैंडिंग बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा है। तो चलिए आप लोग को अंदर लेके चलते हैं एंड दिखाते हैं, जो भी कैप्चर कर पाएंगे पॉसिबल, जो भी होगा कैप्चर करके आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। टेम्पल है तो अब जा रहे हैं मेन टेम्पल के पास, मेन नहीं सेकेंड टेम्पल के बाद, उसके बाद से मेन पे जाएंगे हम लोग। तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं, बातें नहीं करेंगे, बस दिखाएंगे घुमाएंगे आप लोग को इस ब्लॉग में। तो बुद्ध सरोवर का कुछ ऐसे नज़ारा है, यहाँ पे लगा हुआ है बड़ा सा झूला और इसमें बहुत बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं एंड बहुत ही बड़ा सा है, देख लो। कुशीनगर एक धार्मिक क्षेत्र है, इसे स्वच्छ बनाए रखें आदेशानुसार कुशीनगर भिक्षु संघ। तो बर्थडे गर्ल जा रही हैं आशीर्वाद लेने बौद्ध जी से। जय बौद्ध जी, इनकी पढ़ाई में बरकत करें, मेरे सारे सब्सक्राइबर को खूब सारा खुशियाँ दें, खूब सारी पैसे दें, खूब सारे पैसे दें और खूब सारा अपनों का प्यार दें। बौद्ध धर्म के आए हैं लोग प्रचार प्रसार के लिए,
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत ही दूर दूर से, क्योंकि हम लोग आ गए हैं बौद्ध जी जहाँ सोए हुए हैं वहाँ पे, और पूरा मंदिर हम लोगों ने विजिट कर लिया है एंड पूरा जितना हो पाया मैंने कवर करने का कोशिश किया वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। अभी चल रहे हैं मंदिर जहाँ बौद्ध जी सोए हुए हैं, आई थिंक 14 फुट के हैं ना छोटी, 14 फुट के हैं, बहुत बार दिखाया हुआ है मैंने बट अभी अच्छे से दिखाऊँगी इस वाले ब्लॉग में। चलिए चलते हैं। दिखा दिया मैंने, फ्रंट से तो नहीं दिखा, मतलब बैक कैमरे से दिखा दिया अंदर जाके, क्योंकि वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है, वैसे बहुत रिक्वेस्ट करा मैंने, एक अंकल थे तो उन्होंने मुझे परमिशन दिया, तो एक मिनट मैंने दिखा दिया। अब जाते हैं रामाभर स्तूप पे, इसी वीडियो में उसको भी इंक्लूड करेंगे आई थिंक, नहीं तो देखते हैं जो भी होगा आगे ब्लॉग में शेयर करते हैं, नहीं तो एंड करेंगे अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो। सो हम लोग जा रहे हैं रामाभर स्तूप पे और कुशीनगर जो मेन है वहाँ पे घूम लिए हैं, अब जा रहे हैं रामाभर स्तूप पे जहाँ पे उनकी अस्थियों को रखा गया है, माना जाता है ऐसा, वहाँ पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाने में ना 5-10 मिनट का टाइम लगेगा पैदल, तो हम लोगों ने ले लिया है, और वहाँ पे नौका विहार भी है तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये है छोटा सा नौका विहार, जैसे गोरखपुर में है ना वैसे कुशीनगर में भी है छोटा सा नौका विहार, बोट से हम उस पार भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, दिखाती हूँ आपको पूरा घूमा के। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ पे ना एक लोग का शादी भी हो रहा है उधर उस साइड में अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा घूमा दिमाग काम करना बंद कर दिया है सिस्टर, हम तीन लोग का हालत ख़राब है। कैसा लगा? और यहाँ पे नए में बना है बहुत ही अच्छा सा, आई लव कुशीनगर लिखा हुआ, तो आपको दिखा देती हूँ मैं फटाक से, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। यहाँ पे देखिए आई लव कुशीनगर, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहा हूँ। सो फ्रेंड, ये है रामाभर स्तूप, और कहा जाता है यहाँ पे बौद्ध धर्म का कहना है कि यहाँ पे बुद्ध भगवान की अस्थियाँ रखी गई हैं, तो जितना दूरी में जितना मतलब बड़ा इधर से दिख रहा है सेम उसका उस उधर से भी इतना ही बड़ा दिखेगा जैसे उस तरफ से। और मैं बिल्कुल टायर्ड फील कर रही हूँ, मैं उधर नहीं गई हूँ, भाई और सिस्टर गए हैं लोग उधर। तो अभी बज रहा है 3:03 और हम लोग आ गए हैं रामाभर स्तूप पर जैसा कि अभी मैंने दिखाया। तो अब इस ब्लॉग का यही मैं करूँगी एंड और दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, और यहाँ पे बैठ के ही आधे घंटे बैठूँगी यहाँ पे, आज का ब्लॉग जो आप लोग देख रहे हो ये वाला एडिट करूँगी। 3 बज रहा है, 1 घंटे लगेंगे आई थिंक एडिट करने में, एडिट करूँगी फिर जाके इसको अपलोड पे लगा के यहाँ से चलूँगी मैं फटाफट से। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कैमरा यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं है, मतलब कि कैमरे में फ़ोन को छोड़ के DSLR अलाउ नहीं है, और किसी बंदे ने अंदर कैमरा लेके चले गए हैं कोई बंदा, तो इसके वजह से ना यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग का मैटर नहीं, हम आराम से चिल मार के बैठे हैं और चल रहे हैं वीडियो को एडिट करने। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप कि वीडियो में बहुत ज़्यादा आप लोग को मज़ा आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अपने प्यार से ब्लॉग के साथ, बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।